समय शेखर जी के लिए लोग आज बात कर रहे हैं। अभी किसी ने कहा कि समय शेखर का समाधान आ गया है, ये सब गलत बात है। पहले हमने इसको सही माना, इसी वजह से गिरनार हमारे हाथों से चला गया। ये सिर्फ आपको थोड़ा सा प्रलोभन दे रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए आप शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, लेकिन कहीं पर भी ये शब्द नहीं आया है कि यह तीर्थ जैनों का था, जैनों का है और जैनों का ही रहेगा। ये शब्द जब तक नहीं आए तब तक आप शांति से ना बैठें, नहीं तो सब लोगों की निगाह एकमात्र समय शिखर की तरफ है, क्योंकि जैन समाज का सबसे ज़्यादा पैसा समय शिखर में आता है। और सरकार को पता है, यदि मैंने समय शिखर को पर्यटक स्थल बना दिया तो जैनों के पूरे पैसे पर हमारा अधिकार होगा, फिर हम अच्छी तरीके से न दर्शन कर पाएंगे, न साधु को समय शिखर जी ले जा पाएंगे, न हम अच्छी तरीके से किसी एक एक टोंक के दर्शन कर पाएंगे। इसलिए आप लोग बिल्कुल सावधान रहें, अपने घर में ही भगवान पारसनाथ की प्रेयर करें, भगवान पारसनाथ का जाप करें। जो मैंने आपसे कहा 31 तारीख की रात को 12 बजे, जैसे ही 22 आपके बीच में से जाने वाला हो उसी समय एक दीपक लगा करके 2023 में यही कहना है, प्रभु मैं 2023 की शुरुआत पारसनाथ भगवान के नाम से करना चाहता हूँ। हे पारसनाथ भगवान, कुछ रहे ना रहे, बस यह पावन तीर्थ स्वर्णभद्र कूट समय शिखर तीर्थ बचा रहे। यही भावना के साथ यदि आपने संकल्प लिया, एक दिन ऐसा आएगा जैसे शांति सागर महाराज जी ने लिखवा लिया था कि दिगंबर मंदिर स्वतंत्र हैं, इसमें और किसी को जाने का अधिकार नहीं है, और आप एकजुट होकर अगर शंखनाद करोगे तो वहाँ पर लिखा जाएगा कि समय शिखर जैनों का है और किसी को जाने का अधिकार नहीं है। ये बात जब साबित होगी, जब आपके अंदर एकता होगी, बस हमने सुन लिया कि ऐसा ऐसा हो गया और बड़े खुश हो गए, इसमें खुशी की बात नहीं है, इसमें दुख की बात है। वे सिर्फ आपके दुख पर थोड़ा सा मल्लम लगा कर के आपके मन को शांत कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि समय शिखर जी के लिए आप जागरूक रहें, और जो 31 तारीख का जो प्रोग्राम जो मैं कोरा केंद्र में करने वाला था, अब वह कार्यक्रम हम आपके पावन तीर्थ पोदनपुर में करने जा रहे हैं। बस आप रात को 12 बजे जिस प्रकार से आप मुंबई को, पोदनपुर को पावन क्षेत्र मानते हैं, इस पावन क्षेत्र में ही हम, क्योंकि तो पोदनपुर की राशि और पारसनाथ भगवान की दोनों की राशि एक हुआ करती है, बस वहीं पर हम 2023 दीप लगा करके यही प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे पारसनाथ प्रभु, आज आपने मुझे पोदनपुर बुलाया है, इतनी शक्ति मुझे प्राप्त हो, इसी पोदनपुर के प्रभाव से हम साक्षात पारसनाथ भगवान के द्वार तक स्वतंत्र पहुंच सकें, आत्मीयता के साथ आराधना कर सकें। तो मेरी भावना है कि आप सभी आइए 8 बजे से ही वहां पर जुड़ करके, सबसे पहले हम लोग पारसनाथ के 108 तीर्थों के दर्शन करेंगे, जिसमें बिजोलिया पारसनाथ, चवलेश्वर पारसनाथ, अंधेश्वर पारसनाथ, अनिंदा पारसनाथ, महुआ पारसनाथ, कर्नाटक पारसनाथ, तमिलनाडु पारसनाथ, गिरनार जी के नेमिनाथ भगवान और समय शिखर की लास्ट वाली टोंक स्वर्णभद्रकूट। जैसे ही 12 बजेंगे और 12 बजे साक्षात आप पारसनाथ भगवान के चरण पादुका को देख करके एक एक दीप जला करके मोहांधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्रकाश का है 2023 का दीपम निरुपामिते, इस भावना के साथ जब अहम यह शंखनाद करेंगे, क्योंकि हम लोग कैंडल नहीं जलाते हैं, हम वो जैन समाज के लोग हैं, एक एक दीप लगा करके अपने इस कुल दीपक को बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शिखर जी हमारा कुल दीपक है, इसी कुल में हम पैदा हुए हैं और इसी कुल की रक्षा करने के लिए हमें एक दीपक लगा करके संकल्प करना है। 5 कलर के दीपक होंगे, व्यापारी लाल कलर का दीपक लगाए, घर में रहने वाले परिवार के सदस्य पीले कलर का दीपक लगाएं, पढ़ने वाले बच्चे हरे कलर का दीपक लगाएं, जो अस्वस्थ रहते हैं
बीमार रहते हैं वो नीले कलर का दीप लगाएं, और जिन्हें थोड़ा सा टेम्परेचर हाई रहता है, गुस्सा आता है, वह सफ़ेद कलर का दीपक लगाएं। मैं तो कहता हूँ नमो कार के रंग पांच कलर के दीप लगाएं और पंच परम पद की प्राप्ति करने के लिए पोधनपुर आकर के यही प्रभु से प्रार्थना करें कि शाश्वत तीर्थ हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। ऐसी भावना के साथ आप समय शिखर अभियान को अभी तक चलाते आए हैं और आगे भी चलाते चलाते बस 2023 भगवान पारसनाथ के साथ हो, और भगवान पारसनाथ के साथ समय शिखर स्वतंत्र जैन समाज का हो, यही हम कामना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। बोलो शाश्वत तीर्थ समय शिखर जी की जय।